ना नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार तीन का सवाल है इट सेज़ अ मंकी ऑफ मास ट्वेंटी के जी इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप द रोप विल नॉट ब्रेक वेन अ मास ऑफ ट्वेंटी के जी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट इट विल ब्रेक इफ द मासवेंटी फाइव के जी वॉट इज द मैक्सिमम एक्सलेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइम द रोप ये सवाल है अपना ऑप्शन है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेन टू पॉइंट फाइव या फिर ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिंपल सवाल है ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है सो so, ये सिचुएशन ये है कि अपनी रोप है इसके ऊपर एक मंकी ऐसे लटका हुआ है सो दिस इज हाउ मंकी इसके ऊपर लटका हुआ है मंकी का जो मास है दैट इज़ ट्वेंटी के जी ना ये जो रोप है आपकी इसके ऊपर जब मंकी चढ़ेगा तो इसके ऊपर टेंशन इंक्रीज़ होएगी टेंशन जो मंग अपनी रोप झेल सकती है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज इक्वल टू टू फिफ्टी न्यूटन तो मैक्सिमम टेंशन जो इसमें दी हुई है कि अगर रस्सी के ऊपर हमने पच्चीस किलो वजन लटका दिया तो रस्सी टूट जाएगी यानी कि उसकी टेंशन मैक्मम इस एम जी ले सकते हैं सो मैक्म टू न्यूटन जो यहाँ पर आपकी टेंशन अलाउड है हमें ये बताना है कि कितने एक्सलेशन से मंकी ऊपर जाए सेफली रस्सी टूटे बिना नाव इसमें हम सिंपल सा ये यूज़ कर सकते हैं टी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए ए की वैल्यू हमें निकाल दी है बाकी सारा डेटा आपने वो दे रखा है सो so, टेंशन इज़ uh, 250 फिफ्टी इज इक्वल टू मास इसका 20 के जी जी प्लस ए जी की वैल्यू हम 10 लिख लेते हैं यहाँ पे सो so, इसको डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 12.5 पॉइंट फाइव इज इक्वल टू टेन प्लस ए इम्प्लाईज़ ए की वैल्यू आ गई टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द राइट आंसर